पकड़ी गई है और क्या एक्शन होने वाला है? बिल्कुल, देखिए सरकार का इस वक्त जो पूरा फोकस है रेवेन्यू लीकेज को रोकने पर है, और जैसा कि मालूम है 16 मई से देश भर में जो फेक जीएसटी क्रेडिट और जीएसटी चोरी के खिलाफ जो ड्राइव चल रहा है उसमें एक नया खुलासा हुआ है। जो हमें जानकारी मिली है कि करीब 120 बिल्डरों के खिलाफ विभाग, जो जीएसटी विभाग है, शो कॉज नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पूरा जो मामला है करीब 750 करोड़ रुपए के जीएसटी चोरी का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीएसटी चोरी के मामले आए हैं बहुत बड़े बड़े बिल्डर नहीं है, इसमें मीडियम साइज के बिल्डर भी हैं जो कि एक दो तीन तरीके मोडस ऑपरेंडी थे इसमें, जो जिस तरह से जीएसटी चोरी कर रहे थे। एक तो ये है कि जीएसटी में आप देखेंगे तो जो कंप्लीटेड फ्लैट होते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन वो किसी तरह से इस पर एडवांस लेके ग्राहकों से किसी तरह से जीएसटी वसूलते थे, जबकि जीएसटी सिर्फ अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट होता है उसी पर जीएसटी लगता है, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट पर नहीं लगता है। इसी तरह से जो इन्फ्लेटेड बिलिंग करते थे, साथ ही साथ एक तरह से कहें तो फेक रिफंड लेते थे, और जो कई राज्यों में अगर देखें तो अलग अलग जीएसटी का स्ट्रक्चर है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, क्योंकि जीएसटी के जो वैल्यू होती है उसमें लैंड के वैल्यू को भी शामिल किया जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और इसकी आड़ में ये लोग ग्राहकों को बेवकूफ बना रहे थे और ग्राहकों से जीएसटी वसूल कर डिपार्टमेंट को जमा नहीं कर पा रहे थे। और ये जो पूरा पता चला है, ये जो जब पूरी जो डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट करता है और खंगालता है, इनकम और रिटर्न का मैचिंग करता है, उसमें ये सब पता चला है कि ये तो पैसे तो वसूले जा रहे हैं लेकिन ये जीएसटी के खाते में बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम बिल्डर जो 120 के करीब हैं उनको शो कॉज नोटिस भेजने की तैयारी जो है विभाग कर रहा है।